आगरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा। पहले तो अपराधी अपनी जमानत छुड़वाकर जेल चले गए योगी आदित्यनाथ। अब तो कह रहे हैं जेल मत भेजो योगी आदित्यनाथ। ज्यादातर अपराधी गले में पट्टी लटकाकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं एक बार जान पक्ष दो कभी गलती नहीं करेंगे योगी आदित्यनाथ। ये उत्सव प्रदेश अब मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। उत्तर प्रदेश आज देश में लीड रोल में है। लोकसभा चुनाव दो भागों में विभाजित हो चुका है, तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रवाद का चुनाव। अपराधी पहले तो निकाली थी कि दलीय सरकार कैसे आ रही है, वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो, अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले को तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर खेमा लगा करके पेट भर लूंगा लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बचत तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की बहुत जी को जो प्रदेश देना हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा, वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा, वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए। आज आप जानते हैं कि चुनाव की याद आते ही तमाम लोग अपने अपने तरीके से इसकी विवेचना भी करने लग गए हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हमें जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, एक चीज साफ दिखाई दे रही है, और उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चारों ओर एक आवाज है। लोग ये मानते हैं, लोगों की तमन्ना भी है, आम जनमानस की भावना भी है कि चुनाव में एक ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है और चुनाव परिणाम के बारे में लोग पहले से आश्वस्त हैं, दूसरी ओर वे लोग हैं जो दलितों को मिलाना चाहते हैं लेकिन उनके दिल ही नहीं मिल पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इंडी गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन इडली गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है और ऐसे ही मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। मोदी जी की गारंटी वही है जो 100% होने की गारंटी देता हूं। मोदी जी की गारंटी यही है जहां पर
12 करोड़ गरीबों को, गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सौगात मिल जाता है। ये मोदी गारंटी है। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए आवास मिलता है। 12 करोड़ परिवारों यानी 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है। 12 करोड़ परिवारों के घर में एक एक शौचालय बन जाता है। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ गरीबों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलता है। यही है मोदी की गारंटी, 100% होने की गारंटी। जो नारी गरिमा का भी सम्मान करती है, देश की सुरक्षा और संप्रभुता का भी ध्यान रखती है और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। आज मोदी जी ने अमृत काल में